हे गाइस, आप देख रहे हैं पर्सनालिटी बिल्डर चैनल को। मेरा नाम है शशांक पाठक और आज का टॉपिक है बेस्ट टिप्स फॉर फैट लॉस। आप मेरी वीडियो को पूरे देखते रहिए। आपको मैं दो एक ऐसी बेस्ट टिप्स देने वाला हूं जो डाइट और ट्रेनिंग से हटके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, वो टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, लोगों को नहीं पता। आफ्टर 7 PM, आपको पता है जैनिस में जो लोग हैं या अक्षय कुमार हो गए, बहुत सारे लोग हैं, जॉन इब्राहिम, ये आफ्टर 7 PM कार्ब्स कंज्यूम नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी बॉडी को इसके बाद नीड नहीं होती। क्योंकि हम उसका सोने जा रहे होते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, टीवी देखेंगे या सो जाएंगे, तो हमारी बॉडी को कार्ब्स की इतनी नीड नहीं होती। और कार्ब्स ले लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैट में, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता एज एनर्जी। तो हमें आफ्टर 7 PM सैलेड लेना है। हम सैलेड ले सकते हैं, बॉयल्ड सैलेड या सैलेड ही लेना है आपको, और कुछ नहीं आता है, बस आप सैलेड लीजिए। अगर लगता है आपको कि यहाँ 7 PM का मुझे कुछ काम है या कुछ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक वीट रोटी, होल वीट की रोटी एक लेना है, लिमिटेड, आपको 22 ग्राम्स के आसपास अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल जाएगा, तो आपको हेल्प मिलेगी। वैसे अगर नहीं नीड है तो मत लेना, अगर नीड लगे आपको कुछ करना है तो आप एक रोटी वीट की ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इतनी सारी चीज़ें कट डाउन कर दी, ऐड क्या करना है? हमें ऐड करना है होल ग्रेन्स। हम दिन में होल ग्रेन्स खाएंगे। होल ग्रेन्स क्या होते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आप जैसे कि अमरारा, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड और वीट, कॉर्न, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो आपका स्टमक फुल रहेगा एनर्जी। ये स्लो डाइजेस्टेड होते हैं, ओट्स भी होता है इसमें, तो स्लो डाइजेस्टेड होते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती। बार बार भूख नहीं लगती तो लिमिटेड कैलरीज जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बैड कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं, मैदा वगैरह, शुगर, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपकी स्टमक को फुल नहीं करती हैं। थोड़ी देर के लिए भरा रहेगा, लेकिन तुरंत निकल जाएंगे, आपको भूख लगेगा, फिर खा लोगे। आप कॉम्प्लेक्स खाएंगे, आप एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, लॉन्ग टाइम तक आपके पास एनर्जी रहेगी, तो आपका स्टमक फुल रहेगा, तो आपकी बॉडी रिक्वायर्ड नहीं करेगी एक्स्ट्रा कैलोरीज। आपको प्रोटीन फूड ऐड करने हैं अच्छे। प्रोटीन फूड में क्या, एग, फिश, चिकन, सोया चंक्स और दालें वगैरह हैं हमारी, लेकिन दालें भी आपको, दाल जो है अगर आप दाल लेते हैं आफ्टर 7 PM नहीं लेना। दाल में सिर्फ प्रोटीन ही, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी आता है। और उसके बाद आपको ऐड करना है गुड फैट। गुड फैट किस में होते हैं? नट्स में होते हैं, ऑलिव ऑयल में होते हैं। अगर आप कुछ भी ऑयल की चीज़ जैसे अगर एक मील लेते हैं, ऑलिव ऑयल में ही लेना है आपको बिल्कुल। आप उसको ब्रश या कॉटन से उसको लगाना है, आपको ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ नहीं करना। आपको गुड फैट लें, फिश में होता गुड फैट, नट्स में होता हमारा गुड फैट। तो ये थी सिंपल सी टिप्स, और ये टिप्स ना हमारे वर्कआउट जो करते हैं वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं। जो आपको अगर वर्कआउट करते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो आपके लिए स्पेशल एडवाइस है। अगर आप कार्डियो फोकस करते हैं, कार्डियो पे हमें लिमिटेड फोकस करना, कार्डियो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए थी, हार्ट की हेल्थ के लिए देती है। उससे आप 500 कैलोरीज बर्न करते हो, प्रॉफिट नहीं होगा आपको। आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, अच्छी वेट ट्रेनिंग करेंगे, आपका BMR बढ़ेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। तो आप जिम में लिमिटेड कैलोरीज बर्न करेंगे, लेकिन ऑल ओवर डे आपकी अच्छी कैलोरीज बर्न होगी, इसलिए आप वेट ट्रेनिंग करें। ये थी मेरी तरफ से सिंपल कुछ पॉइंट्स फॉर फैट लॉस। जो घर पे हैं, जो वर्कआउट नहीं करते हैं, वो उसको फॉलो करेंगे, अच्छा खासा फैट ड्रॉप कर सकते हैं, वेट ड्रॉप कर सकते हैं। जो वेट ट्रेनिंग करते हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबको बताया था कि मैं दो ऐसी बेस्ट टिप्स बताने वाला हूँ, जो बेस्ट चीज़ें बताने वाला हूँ, जो लोग अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, कोई इनको बताता नहीं है। पहली चीज़, हम जब भी वेट लॉस, फैट लॉस करते हैं या गेन कुछ भी करते हैं, हमारी बॉडी 80% कंटेन करती है वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा वाटर पियेंगे, आपकी बॉडी उतनी फ्रेश अच्छी रहेगी। वाटर बहुत ज़रूरी है, आप ये सब चीज़ जानते हैं। आपको कम से कम 4 लीटर पानी, 4 लीटर ऑफ वाटर आपको अ डे, एक दिन में पीना ही पीना है। दूसरी चीज़, डाइट और ट्रेनिंग हमारी बाद में आती है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट। रेस्ट कहाँ आता है? स्लीपिंग। तो गाइस, दूसरी बात है स्लीपिंग। स्लीपिंग ना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को, उसको आप प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे। जैसे हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, हमारा फ़ोन होता है हम उसको रात में रेस्ट देते हैं, हमारी गाड़ी होती है हम उसको रात में रेस्ट देते हैं, हमारी बॉडी भी उतनी ज़रूरी है, उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है 7 से 8 घंटे की स्लीप, 7 to 8 hours की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप कब ले सकते हैं? वैसे बेस्ट टाइम ऑफ स्लीपिंग होता है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 10 PM to 4 AM तक का सबसे बेस्ट टाइम होता है। लेकिन वो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आप अगर 9 बजे के पहले, 8 बजे के पहले अगर आप रेडी हो जाते हैं, उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको क्या करना है, उठने के बाद सबसे पहले तो 2 ग्लास पानी पीना है। पानी बहुत ज़रूरी है। पानी पीने के बाद ना आप थोड़ा सा
सनलाइट लें। सनलाइट जो हमारी 9 बजे की पहले 8 बजे की पहले होती है वो बेस्ट सनलाइट होती है, वो आपकी बॉडी में विटामिन डी एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है, ये गलत बात है, विटामिन डी एक्टिवेट होता है उससे। तो आपकी बॉडी विटामिन डी एक्टिवेट करेगी, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आप ये पूरा रूटीन फॉलो करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, आपने इसके पूरे टॉपिक्स नोटिस कर लिए हैं। अब प्लीज़ आप ये वीडियो अपने रिलेटिव्स, अपने मॉम डैड दादा दादी जो भी बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर सब आप उनका शेयर कर सकते हैं, अपने कजन्स रिलेटिव उनको बताएं, क्योंकि आपको पता है फैट लॉस का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फैट लॉस किस रीज़न से बढ़ रहा है, इसमें सारे वो पॉइंट्स हैं जिस रीज़न से आपका फैट बढ़ता है। इन चीज़ों को आप कट डाउन करेंगे, यूज़ करेंगे जो मैंने चीज़ें बताई, तो मैसिवली आपका फैट लॉस ज़रूर होगा। प्लीज़ गाइज़ ये वीडियो शेयर करें अपने उन दोस्तों रिलेटिव्स के साथ। यहाँ पे होती है मेरी वीडियो ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।